हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो अगर आप उस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करें ना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और आपने कभी वह एप्लीकेशन अपने फोन में नहीं देखी होगी, आपको उस ऐप के बारे में कभी पता भी नहीं होगा। दोस्तों ऐसी एप्लीकेशन है दोस्तों सिंपली वह ऐप 5 MB की आपको देखने को मिल जाएगी। 5 MB की वह छोटी सी एप्लीकेशन इतना बड़ा काम करती है आप कभी सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही खतरनाक ऐप है और उसका यूज करके आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है। दोस्तों अगर आप उसको ऐप को एक बार अपने फोन में जरूर डाउनलोड करें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उस ऐप को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को कर लेते हैं दोस्तों स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम फोन की स्क्रीन पर, और दोस्तों सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि आपको वह ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना स्मार्ट किट, यहाँ पे सर्च कर लेना। इसका दोस्तों पूरा नाम स्मार्ट किट 360 है और दोस्तों सिंपली आप देख पा रहे हैं इसके डाउनलोडिंग 1 मिलियन आपको इसमें डाउनलोडिंग देखने को मिल जाएंगे और इसकी रेटिंग 4.4 रेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों इस बात करते हैं इसके साइज की, दोस्तों एमबी के साइज की। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंपली इसमें 5 MB की एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बहुत ही आसान है। सिंपली मैं इस एप्लीकेशन को एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ये इंटरफेस दिखाई देगा और सिंपली आपको इसमें सभी परमिशन को अलाउ करना है। दोस्तों अलाउ करने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं। सिंपली दोस्तों मैं इसमें सभी एप्लीकेशन को एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें नोटपैड मिल जाएगा। नोटपैड आप देख पा रहे हैं, नोटपैड पर यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे आप कुछ भी नोट कर सकते हैं इसमें। तो और सेकंड नंबर पे दोस्तों ट्रांसलेटर है। दोस्तों आप इसमें कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी कुछ भी आप इसमें आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको ट्रांसलेट मिल जाएगी। और थर्ड नंबर पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं डिक्शनरी, यहाँ पे आपको डिक्शनरी कुछ भी आप इसमें सर्च करके यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। और फोर्थ नंबर पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज, यहाँ पे आप बहुत ही सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे। वर्क राउंड टोटल कूल डाउन सब आपको एक्सरसाइज यहाँ पे मिल जाएंगे। और दोस्तों आपको फाइल मैनेजर भी इनमें देखने को मिल जाएगी। वैसे दोस्तों फाइल मैनेजर बहुत ही इतनी खास तो फाइल मैनेजर नहीं है पर आपको बहुत ही सारे ऑप्शन इनमें देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ कटर आप कोई भी कटर यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, सॉन्ग कुछ भी कट कर सकते हैं, वो भी आपको इनमें देखने को मिल जाएगा। मेट्रोनोम में भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, MB साइज कुछ भी आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और एट नंबर पर दोस्तों आपको इसमें रिकॉर्डर मिल जाएगा, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। फ्लैश लाइट भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। फ्लैश लाइट में एक बार ऑन कर सकता हूँ, दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरी फ्लैश लाइट भी इनमें ऑन हो चुके हैं। और दोस्तों आगे इसमें मिरर भी मिल जाएगा, जिस यहाँ पे कैमरे पे भी दोस्तों मिरर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिरर भी देखने को मिल जाएगा आपको। और मिनी फिलर भी आपको देखने को यहाँ पे इसमें मिल रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिनी फिलर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ही सारे ऑप्शन मुझे देखने को मिल जाए। और दोस्तों इसमें कोड स्कैन का भी आप किसी चीज़ का भी कोड स्कैन करते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। स्कैनर भी आपको देखने को, बैटरी सेवर भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। स्टॉप वॉच का भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। आप स्टॉप वॉच रेस रूस मारते हैं आप उसमें भी आपको यह सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आपको इसमें चेकलिस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। चेकलिस्ट बहुत ही अच्छा ऐप है दोस्तों, उसमें भी आपको यह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें कैलकुलेटर, यूनिट आप इसमें यूनिट भी माप सकते हैं, कुछ भी यूनिट आप इसमें जोड़ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से है। और करेंसी भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे कि करेंसी में यहाँ पे लगा लेता हूँ दोस्तों, आप इसमें टोटल करेंसी जोड़ सकते हैं दोस्तों। इंडिया रुपी आप इसमें जोड़ सकते हैं दोस्तों, एक डॉलर के 75 आपको इसमें मिलते हैं दोस्तों। आप इसमें इंडिया की कुछ भी करेंसी जोड़ सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको कैंपस का ऑप्शन मिल जाएगा, कैंपस का भी आप देख सकते हैं इनमें, यहाँ पे इसमें कैंपस का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी आपको सेटिंग को परमिशन को अलाउ कर देना और आप देख पा रहे हैं यहाँ इसमें जितना घुमाएंगे आपको उसमें उतना कैंपस आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है, आपको देखने को मैप का भी ऑप्शन मिल जाएगा, इंटरनेट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी आ चुकी है आपको वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको कितनी इसमें नेट स्पीड आ रही है आप वो भी देख सकते हैं दोस्तों। और सिंपली आपको यहाँ पे हार्ड रैम का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे कितनी आपके हार्ड रैम है दोस्तों, आपको सभी ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों आपको इनमें टाइम जोन भी मिल जाएगा, बहुत ही रूलर भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, इनमें रूलर आप जोड़ सकते हैं, किसी ने रूलर आप वो भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप आपको यह देखने को मिल जाएंगे। साउंड मीटर भी आपको इसमें मिल जाएगा, वो मीटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम जोन भी इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग
एप्लीकेशन 32 एप्लीकेशन में फ्री की दी गई है, वो भी सिंपली आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वो भी 5 MB की। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है, और यहाँ पे 3 डॉट पर आप एक बार क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बहुत ही सोशल मीडिया के भी आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सोशल मीडिया में जैसे दोस्तों फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत सारे ऑप्शन इनमें देखने को मिल जाएंगे। यूट्यूब भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों बहुत ही सारे ऐप इसमें आप आराम से इसे यूज करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है। सिंपल दोस्तों जितनी भी इस ऐप की कम तारीफ किया, जितनी भी दोस्तों इस ऐप की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही आपको कम है। दोस्तों जितनी भी तारीफ कर सके आप उसमें इतनी भी कम है। दोस्तों इसमें स्पीड मीटर भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आप इसे स्टार्ट करके चल दीजिए, आपको इसमें स्पीड बताएगा कितनी स्पीड पर आप चल रहे हैं, कितने किलोमीटर आप जा चुके हैं, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय। और लास्ट में दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और साथ में आपको बेल का आइकन दिखाई देगा उसको भी दबा देना, ताकि आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। और दोस्तों इस ऐप की लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।